IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब का कर्जा मंजूर कर लिया। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय वायदे की मंजूरी दे दी, जिसके बाद फौरी तौर पर $1.2 अरब की किस्त पाकिस्तान को जारी कर दी जाएगी। इलामी के मुताबिक स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को अगले 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान को बाकी फंड 2 साल में जारी किए जाएंगे। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान को मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2023-24 में मुआशी शरह नमो 2.5% रहने का इम्कान है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी मनफी 0.5% रही। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल GDP ग्रोथ 0.3% मस्बत रहने का दावा किया। IMF का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ज़ेर तमीर मिस्टर अस्पताल 2 का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान भी जाएंगे, जहाँ वो यूथकॉन और लैपटॉप तकसीम करेंगे। शहबाज शरीफ बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान में तकरीब से खिताब करेंगे। उनके हमरा वफ़ाक़ी बुज़ुर्ग और दीगर हुकाम भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI को एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली से इक्तदार पर बिठाया। 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन था। जिम्मेदारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद शहीन चौक फ्लाईओवर कासिम ब्रांच पर बुनियाद रखने की तकरीर से खिताब। कहा कि आवामी तरक्की के मनसूबे का संग बुनियाद रखने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 12 कहूँ फ्लाईओवर का ताल्लुक इंडिया इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से है। भारतीय आबी जारहीत जारी। गंडा सिंह वाला में दर्जनों देहात जेर आब आ गए। देहाती अपनी मदद आपके रहमत को इलाकों का रुख करने लगे। अगले 24 से 48 घंटों में गंडा सिंह वाला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्के है। बारिश से आने वाला 1,85,000 क्यूसी का सैलाबी रेला जिस्टर से शाहदरा लाहौर की जानी बढ़ रहा है। सैलाबी पानी से राबी किनारे शकड़गढ़ की सरहदी इलाकों में फसलों को नुकसान पहुँचा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेज ने आजान देने पर फारिग से 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। 13 जुलाई को मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1931 के जालमाना वाक़े की याद में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जाता है। इस रोज़ मुजाहरीन अब्दुल कादिर खान के खिलाफ नाजायज रियासत मुकदमे की समाप्त के मौके पर तमाम इकट्ठे हुए थे। जोहर के वक्त मुजाहरीन की अजान देने पर पुलिस ने गोली मारकर मौजूद को शहीद कर दिया।